मरियम श्यूना मालदीव की मंत्री अब सस्पेंड। मालशा शरीफ मालदीव के मंत्री अब सस्पेंड। अब्दुल्ला मजहूम मजिद मालदीव के मंत्री अब सस्पेंड। प्लीज keep coming to the Maldives. We appreciate and value your presence here in the Maldives. ये तीनों चेहरे आपने पहले कम ही देखे होंगे, ज्यादातर भारतीय तो इन्हें जानते भी नहीं होंगे। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव में नफरत फैलाने की कोशिश करी, लेकिन नाकामयाब हो गए। विवादित ट्वीट करने के कुछ ही घंटों में इन्हें मालदीव के मंत्री पद से सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने नफरत के जो बीज बोए उसका असर ये हुआ कि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। टूर एंड ट्रैवल कंपनी इज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पट्टी ने ऐलान किया है कि उन्होंने मालदीव की सारी बुकिंग और फ्लाइट्स रद्द कर दी है। इस कंपनी का मार्केट शेयर 8% से ज्यादा है। इज माई ट्रिप के बाद इसी तरह के ऐलान सोशल मीडिया पर लगातार किए जा रहे हैं। भारतीय टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि अचानक मालदीव को लेकर इंक्वायरी आनी बंद हो गई है। आने वाले दिनों में इसका बड़ा असर भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से मालदीव के तीन मंत्रियों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाया है, उससे अब मालदीव की अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसलिए मालदीव की एक सांसद ईवा अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से कहा कि वो भारत से सार्वजनिक माफी मांगे। It is absolutely critical that the government of Maldives distances itself from the comments by the minister. I know that the government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. The remarks by the minister are simply just shameful. They're racist, they're spiteful and intolerable. And I do want to say that the minister's words are in no way a reflection of the opinion of the Maldives people on the Indian people and about India. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या बवाल शुरू हो गया, तो सुन लीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया। समुद्र किनारे टहलते हुए और समय बताते हुए उन्होंने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली और लक्षद्वीप का प्रचार किया। पीएम ने लिखा कि घुमक्कड़ों को एक बार तो लक्षद्वीप जरूर जाना चाहिए। इस पर मालदीव की यूथ एम्पावरमेंट की डिप्टी मिनिस्टर मरियम श्यूना ने अपना ही तुर्रा जोड़ दिया और कहा कि भारत के तट मालदीव के समुद्री तटों के सामने कुछ भी नहीं है। वो इतने पर ही रुक जाती तो भी कोई बात नहीं थी। उन्होंने आगे पीएम मोदी को इजराइल की कठपुतली तक कह डाला, जिसके बाद क्या एक्टर क्या क्रिकेटर मालदीव पर भड़क उठे हैं। हालांकि मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाली मंत्री मरियम श्यूना ने वो पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन तब तक मामला तूल पकड़ चुका था। मालदीव की सरकार के मंत्रियों की भाषा पर वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने भी सवाल उठाए। ट्विटर पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने लिखा, मालदीव सरकार के मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण दोस्त के साथ कितनी खराब भाषा है। मालदीव की सरकार को ऐसी टिप्पणियों से दूरी बनानी चाहिए और भारत को ये सुनिश्चित कराना चाहिए कि उनकी सरकार की ये नीति नहीं है। जब मालदीव की सरकार को लगा कि अब सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो तुरंत बैकफुट पर आई और एक नया स्टेटमेंट जारी किया। मालदीव की सरकार को विदेशी नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखी जा रही आपत्तिजनक बातों की जानकारी है। ये उनके अपने विचार हैं और ये मालदीव की सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हालांकि जो लोग ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां करेंगे, हमारी सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेने से जरा भी नहीं हिचकेगी। जैसे ही मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए, तो बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे भी उनके बचाव में उतर आए और जमकर मालदीव को लताड़ने लगे। अभिनेता अक्षय कुमार ने मालदीव के कुछ कॉमेंट्स को पोस्ट भी किया और लिखा, मालदीव के कुछ बड़े लोगों के भारतीयों के प्रति नस्ल भेदी कॉमेंट पढ़े। हैरानी इस बात की है कि वो ये सब उस देश के खिलाफ कर रहे हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा टूरिस्ट भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे हैं, लेकिन हमें इस तरह की नफरत को क्यों सहना चाहिए। मैं कई बार मालदीव गया हूँ और हमेशा मैंने इसकी तारीफ की है, लेकिन गरिमा पहले है। वही बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान ने भी ट्विटर पर लिखा,
अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को लक्षद्वीप के इतने शानदार और साफ सुथरे बीच पर देखना बहुत कूल है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये हमारे इंडिया में है। अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी लिखा, भारत की शानदार मेहमान नवाजी और अतिथि देवो भव का विचार और घूमने के लिए बहुत बड़ा समुद्री जीवन, लक्षद्वीप जाने वाली जगह है। इन सितारों के अलावा सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर्स ने भी बिना नाम लिए मालदीव को खरी खोटी सुनाई और लक्षद्वीप की जमकर तारीफ की। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट शेयर किया है और लिखा है कि हम भारत हैं और आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पर आज मत डालिए। आज दुनिया भर में भारत और भारत की नीतियों का डंका बज रहा है। ऐसे में कोई भी छोटा बड़ा देश किसी भी सूरत में भारत की नाराजगी मोल लेने को तैयार नहीं है, फिर वो चाहे मालदीव ही क्यों ना हो, जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर करता है। और उस पर्यटन में भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी अगर भारत की हो तो फिर कैसे कोई उससे पंगा लेने का सोच सकता है। अगर आज भारत के लोग मालदीव से किनारा कर लें तो इस देश का हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा ही हो जाएगा। यही वजह है कि अब मालदीव की अपनी जनता मालदीव सरकार और उन तीन मंत्रियों को कोस रही है जिन्होंने भारत की आलोचना करने की हिमाकत की है। लेकिन जैसा आप सुनने को मिल रहा है कि वक्त रहते मालदीव सरकार की अकल ठिकाने आ गई है और चीन के दौरे पर रवाना होने से पहले वहां के राष्ट्रपति उन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर गए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली खबर में एक नई बात के साथ। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।